ये देखें नाचता हुआ भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओ भाई ये देखें। तो अगर इस तरह से इसका मन यहाँ पर लगता है तो काफ़ी जल्दी ये अपने पुराने जो घर को या उस माजरी आश्रम को भूल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर में। तो युवा साथी हैं हांडा और या इस वीडियो में जो कवर कर रहे हैं ये इनका जो ब्रीडिंग फार्म है, जो नस्ल को विकास करने में इन्होंने पूरी जी जान जो झोंक रखी है। तो बिना नंदी के नस्ल का उत्थान या नस्ल का विकास या नस्ल का संवर्धन करना वो पूर्णतः चुनौतीपूर्ण है, इस बात में कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बुल इन्होंने हरियाणा नस्ल के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए, विकास के लिए जो चयनित किया है वो आप देख सकते हैं माजरी आश्रम में। विशेष प्रार्थना के साथ ये युवा साथी गए थे और वहाँ से उन्होंने जो बड़ा नंदी महाराज जो है उसी का बेटा, ये देखें युवा अवस्था में है, अभी खीरा है, दांत अदंत जिसे कहते हैं, बछड़े वाले इसके दांत हैं, कोई भी वयस्क वाले इसने दांत नहीं किए हैं। और ये देखें इसका जो शारीरिक बनावट है, बलिष्ठ जो इसका पुट्ठा है, कुकुंद है और पुरुषोत्तम क्षमता को दिखाता हुआ गर्दन से लेकर के और पूरे हम्प तक जो काला रंग अभी से धारण जो इसने करना शुरू कर दिया है। पुट्ठे की बनावट में विशेष तौर पर जरूर दिखाना चाहूँगा, ये देखें ये जो गोलाई लिए हुए पड़ा पुट्ठा जो कहते हैं, तो देसी गोवंश जो कि विलायती नस्लों से जो भिन्न होती है, ये जो पुट्ठा है ये इसको अलग बनाता है। ये देखें आप जिस प्रकार से पहलवान का जो शरीर होता है उस प्रकार से, ये देखें मांसपेशियां जो हैं ये काफ़ी अच्छी विकसित होती हुई पुट्ठे की। और देखें ये जो पिन बोन है और हुक बोन है उसके बीच में आप जो अगर ढलान देखेंगे यहाँ से लेकर के और ये जो पिन बोन तक, तो आपको काफ़ी अच्छी इसकी शेप देखने को मिलेगी। और गोवर्धन का दिन था, उसी दिन इसके, ये देखें इसके जो चिन्ह जो लगाया गया, ये इसलिए लगाया गया कि ये व्यापार का हिस्सा न बन पाए, इसकी ज़्यादा खरीद फरोख्त न हो। और इन केस वहाँ पर महाराज जी ने अपनी तरफ से कि अगर गलत हाथों में जाए, कभी किसी गाड़ी में ये पकड़ा जाए, तो इस चिन्ह से इसको पंचायती सांड करके या नस्ल सुधार के लिए, ये देखें जो विशेष तौर पर इस तरफ गोल मार्का और इस तरफ भोलेनाथ का जो मार्का है त्रिशूल का, ये दोनों जो लगाए गए हैं ये काफ़ी विशेष। एक बार खोल करके चला करके पूरा इसका व्यक्तित्व दिखाएं, टेस्टिकल्स में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और ये देखें खोल दिया गया है, बुल काफ़ी शांत है और इसी के साथ में ये जो है, ये देखें हाइट में ये भी काफ़ी अच्छा है और उससे उम्र में अभी छोटा है। तो हम्प और लंबाई देखें आप, वो विशेष, वो जो बुल है उसका लंबे ताड़े का नहीं कहेंगे, बंधा हुआ शरीर अभी उसका कहेंगे, लेकिन ये देखें बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि सांड की ऊंचाई से ज़्यादा उसकी लंबाई अगर ज़्यादा है तो वो लंबे ताड़े का होता है, और लंबे ताड़े का जो गोधन या पशुधन देखने को मिलता है उसमें दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसी की जो बहन है उसको मैं एक बार ज़रूर देखना चाहूँगा। तो हांडा ब्रीडिंग फार्म है, इस तरफ ये देखें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कतार में जो इन्होंने नस्लें खड़ी की हैं, ये देखें थार पारकर नस्ल में काफ़ी अच्छा और उम्र काफ़ी छोटी है। आप इस बछड़े को देख करके अनुमान नहीं लगा सकते कि ये अभी दूध पीता है, अभी दूध पीता है और 11 महीने का भाई जी। नमस्कार। नमस्कार जीतू तो भाई जी, एक अरिता के पाउंड भूमि पर पहुँचने पर आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, जो आप इतना पुनीत काम जो कर रहे हैं। ये देखें स्वच्छंद वातावरण इस नंदी महाराज को यहाँ पर दिया जाएगा और पूरा जी जान झोंक करके इसको एक शुद्ध अच्छा नंदी बनाने का जो इनका ये प्रयास है। ये देखें स्वभाव काफ़ी सरल है और माजरी आश्रम का जो बड़ा नंदी है उसकी माँ का दूध 16 लीटर गौशाला की परिस्थितियों में, और इसकी जो माँ है इसकी माँ का भी 16 ही लीटर है गौशाला की परिस्थितियों में। गौशाला की परिस्थितियों में और दो बात बताना चाहूंगा जी जी, ये महाराज जी से लगातार एक महीने तक हाथ जोड़ की विनती मान सम्मान से दिया है, 3 साल की लीज पे लेके आए हूँ भाई जी। जी जी जी, जिस दिन महाराज जी कहेंगे आंडा बेटा पहुँचा दे, माजरी आश्रम में। जी जी, तो ये मान सम्मान हम गुरु महाराज का भी जरूर करना चाहेंगे। तो बुल देखें अभी से काफी अच्छा इंटरेस्ट लेता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल बताएं एक बार, क्या कुछ उम्र हो चुकी है, डेट ऑफ बर्थ जो महाराज जी के आश्रम से जो पता चला। महाराज जी ने जो बताई थी डेट ऑफ बर्थ भाई जी, लगभग ये
18 19 20 महीने का भाई जनवरी 2020 का इसका जन्म है, जनवरी 2020 का इसका जन्म है। और इसने वहां पर अभी से गायें गाभिन कर दी थी, यहां पर भी कर दी, यहां पे मेरी नीतू रानी को पहले आते आते पहले दिन इसने प्रेग्नेंट कर दी भाई जी, प्रेग्नेंट कर दिया था। तो ये देखें, और अभी ये जो छोटी बछड़ियां जो तैयार हो रही हैं, ये देखें नस्ल विशेष में काफ़ी काफ़ी मेहनत ये कर रहे हैं, क्योंकि नंदी की जब व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ से गाय को भेजते थे यदुवंशी गौशाला में, वहाँ पर गायें गर्भित होकर के आती थी। तो पिछली बार इसकी जो माँ है नीतू, उसको आपने भेजा था, राजापुर से पांच बार रिपीट हुई, पांच बार रिपीट होने के बाद छठी बार में रुकी, फिर रतन को जन्म दिया। और ये देखें, इस बछड़े को जन्म दिया है राजा का जो ये बेटा है, खोल करके इसको भी भगा दें, दिखाएं इसको उछलता कूदता मचलता नाचता। तो गोवंश जब खेलता कूदता है तो उसमें एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। ये देखें राजा का ये बेटा है, माँ जो है इसकी वो नीतू रानी है, जो कि छठे बार में गर्भवती हुई थी। और ये देखें, ये जो गोधन है, ये वो जो बछड़ा है नंबर दो पर, उसकी माँ है। और ये देखें, अभी भी उसको दूध पिलाती है। तो ज़्यादा ज़रूरी यह नहीं है कि प्रतिदिन का दूध ज़्यादा हो, लेकिन जो गोधन ज़्यादा लंबे समय तक दूध देती है, नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है उसको वही आगे बढ़ा सकती है जी। और उसमें ये देखें नाचता हुआ, भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। ओ भाई ये देखें तो अगर इस तरह से इसका मन यहाँ पर लगता है तो काफ़ी जल्दी ये अपने पुराने जो घर को या उस माजरी आश्रम को भूल पाएगा, और यहाँ पर नस्ल संवर्धन का जो इनका कार्यक्रम है, टेस्टिकल्स जो हैं इस बुल के, वो इसको और भी ज़्यादा विशेष बनाते हैं। क्योंकि जो बड़ा बुल है, बड़ा जो नंदी महाराज माजरी आश्रम में है, उसके भी टेस्टिकल्स शानदार, सुपर एक्सीलेंट क्वालिटी के उसके टेस्टिकल्स हैं। तो ये देखें, तो भारी मात्रा में इनका गोधन है तीसरे नंबर। करो करो इसको भी अंदर करो। तो ये देखें, ये जो इनका थार में जो ये नस्ल है, टेस्टिकल्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं। कहाँ जाएगा ये? तो ये देखें, चारों पैरों से जो शरीर को पूरा हवा में उछाल देते हैं, ये इनकी प्रसन्नता का, इनकी प्रसन्नता का एक कुंडी लगाएं, कुंडी कुंडी खोल दिया करें कुंडी को, फिर उसको लपेटने की फिर आपको आवश्यकता नहीं होगी। ये देखें, करंट के खोल ले भैया, नहीं भाई अंदर लो, तो नस्ल विकास में इस तरह से तनाव मुक्त अगर नंदी, नस्ल की शुद्धता में अगर नंदी, और उसी नस्ल का अगर आप नंदी रखते हैं, तभी आपका नस्ल का सुधार का जो कार्यक्रम है, और ब्रिड करेक्टर से मैं काफ़ी खुश हूँ, 100% अगर नंदी हरियाणा नस्ल का अगर इसे कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं है। ठीक है, आ जाएं। एक और गोधन उधर जो है, ये भी काफ़ी श्रेष्ठ गायों में से एक है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक दूध देती है और काफ़ी अच्छा दूध देती है। तो उसके बारे में दो शब्द और बताएं, कितना दूध दे देती है ये? 15 लीटर तो दे ही देते हैं आराम। ये देखें, बिल्कुल मासूम जुगाली, अगर कोई गाय बंद नहीं करती है, कोई उसके पास जब आता है या उसके ऊपर हाथ फेरता है, तो उसकी जो सहजता है वो आप देख सकते हैं। अभी ड्राई पीरियड में है, पैर पे थोड़ा नुकसान हुआ है इसके, थोड़ा सा पैर सूजन में है। तो इसी का जो बछड़ा है, और इसी नंदी महाराज से एक बार वो और दिखाएं, आ जाओ। और भी वहां पर वो जो गेट के पास खड़ी होकर के गायें जो ताक रही है, उसका भी दूध न केवल प्रतिदिन का ज्यादा है, लेकिन लंबे समय तक दूध देने वाली गाय, 15 लीटर दूध है उसका। हाँ, और लंबे समय तक। और ये देखें आप, उसी गाय का और उसी नंदी महाराज का जो बेटा है, ये देखें जिस तरह से रोब, आंखों पर रोब उन नंदी महाराज के आता है, वही रोब इसके ऊपर आता है। देखें आंखों पर जो तोड़ी पड़ती है, ले ले रही, ये देखें। और टेस्टिकल्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। शारीरिक बनावट देखें, मजबूत और बलिष्ठ शरीर, कलकम्बल नाभि बिल्कुल जो सटीकता होती है, ये देखें। और महाराज जो बड़े महाराज हैं यहाँ पर, नंदी महाराज
उसी के नए नक्शे पर आप देखें सींगों की बनावट बिल्कुल वही, नाक की बनावट, आंखों की बनावट और आप टेस्टिकल्स जरूर देखें। शांत है बिल्कुल, ठीक ठाक, ठीक ठाक है। नेक ऑफ द टेस्टिकल बड़ी अच्छी, और ये देखें पुट्ठे की गोलाई, पुट्ठे की गोलाई भाई बहुत बढ़िया, बहुत बकवास कर रहे मत जाइए बस। तो समर्पित साधु संतों ने, गुरुओं ने हमेशा समाज को सही रास्ता दिखाने का एक प्रयास किया है, और माजरी आश्रम जो है उसने उस दौर में भी जब HF और जर्सी गायों का बोलबाला हुआ करता था, ज़्यादा दूध, ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा जब चाहिए थी, उस समय भी यहाँ की जो मूल नस्ल है झुंझुनू राजस्थान का ये क्षेत्र है, यहाँ की मूल नस्ल अगर देखा जाए तो शुद्ध सफ़ेद रंग की ये जो हरियाणा देसी इसे कहते हैं, इसी का गोवंश सिर्फ और सिर्फ अपने आश्रम में जो रखा, ये इनके समर्पण का एक प्रतीक है, जिसकी वजह से आज इस तरह के जो नंदी हैं या उनके शुद्ध जो पीढ़ियां हैं या जो बछड़े हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। छोड़ो प्रभाव मारे छोड़ दो आप इसने। दो ये तो उसी टाइम परवानी थी महाराज जी के हाथों ही है। उन्हें बुलाओ वो पैरा देंगे, क्या नाम है अबे अंदर ही है क्या, पैरा आओ एक बार भाई। बहुत आराम से चमक ना था ना महाराज जी तो ना ना ये तो स्वेच्छा से ये उनको दे दो ये उनको दे दो। बहुत बढ़िया महाराज जी बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महाराज जी ने जो एक अच्छा सांड अपने इस आश्रम के लिए जो तैयार किया था, लेकिन युवा जो इस साथी की भावनाओं को देखते हुए, कितनी गायें हैं आपके पास? लगभग 50 गाय, देसी गाय। हाँ, देसी गाय पूरी। और नंदी की व्यवस्था न हो पाने की वजह से छोटे है, मेरे पास नंदी है चार, ग्याबिन नहीं, ग्याबिन नहीं कर पा रहे, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा दुखी था। और महाराज जी से हाथ जोड़ की ये नंदी लेकर के गए। तो इसका जो बाप नंदी है इस आश्रम में गुजरात से, जब रमेश रुपरलिया जी आए थे उन्होंने 51 लाख रुपए का एक
पेशकश की थी जो कि महाराज जी ने उस समय ठुकरा दी थी, उस समय नहीं दिया गया। तो उसी का एक बेटा है जो कि अच्छी नस्ल देसी गाय की हरियाणा नस्ल को काफ़ी ऊंची और ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। महाराज जी दो शब्द मैं जानना चाहूँगा, बड़ी प्रेम भाव से आपने अपने आश्रम के लिए इस नंदी को तैयार किया था, लेकिन युवा साथी का आपने मान सम्मान रखा और इनकी जो प्रार्थनाएं लेकर के आए थे 15-20 दिन पहले कि भाई महाराज जी अगर कोई व्यवस्था अगर बन पाए तो। देखो सबसे पहले तो हमारा गुरु महाराज जी की खूब कृपा से ये आश्रम, ये गायें, ये जो नंदी खूब आनंद से यहाँ रह रही हैं। जी जी। और फिर जो है हमने ये सुना कि भाई जो है इसी सांड का बच्चा जो है वो आगे के वंशवर्धि के लिए मतलब इतना उपयुक्त तो नहीं रहेगा, तो ये साल दो साल जब तक जो है ये हांडा भाई जब तक काम में ले इतना ले लेंगे जी जी। फिर बाद में जब भी इसकी आवश्यकता हो आश्रम को जब ये अपना आश्रम में लौटा दी जा, एक बात। दूसरी बात जो है बहुत एकदम यू मानो के इतना सुंदर तरीका से जो है तैयार करे बचपन से ही आगे बहुत जितना दूध पियो उतना दूध पियो जिस तरह से जिसे जैसे रहे ये स्वतंत्रता से रहे। आज सुबह के जो वो डाली की परंपरा होती है वो सुबह लगाई थी जी, और बस जो है अणके भी खूब शुभ रहे यो, खूब अच्छी तरह से जो है गाय की वंशवृद्धि करे, खूब अच्छी तरह से जो है विकास करें और भगवान ने खूब वैसे जो है गाय माता को हम गुरु महाराज जी का श्री मुख से भी सुनी थी, आज भी महसूस कर रहा हूँ का कोई भी मूल्य नहीं है। आप इसका कितना भी चाहे वो चमन ऋषि की एक बार जो है कोई कहानी सुनोड़ी हमने गुरु महाराज जी सुनाई थी, चमन ऋषि पानी में चला गया तो राजा राज भी देणु कर दियो, इतनी मोड़ दे देंगे इतनी वो कर देंगे राज दे देंगे, पर नहीं कोई मूल्य नहीं। फिर एक जो है एक आदमी आगे ने बोले एक गाय का मूल्य जितना जो है चमन ऋषि ने वो, तो उसी टाइम पर चमन ऋषि की जो है समाधि खुल गई, उन्होंने कहा भाई गाय माता की तो कोई कीमत ही नहीं है संसार में तो जो है, और हमने जो कुछ भी दे रखे हुए गोशाला में गुरु महाराज जी वो सब गाय की कृपा से वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी तरह से इनकी सेवा करियो जी, खुश राखियो इन्हें जो जी, है। और आज के लिए कोई भी तन कोई चीज चाहो तो आश्रम से कोई भी चीज मतलब आपको तैयार है, नहीं तो आप खूब अच्छी अच्छी तरह से गाय ने सण देवता ने जो है अच्छी तरह से राखी, ठीक है। तो इनको नाम योगेंद्र है, योगेंद्र नामकरण महाराज जी ने अपने स्वयं यहाँ पर कर दिया, ठीक है बहुत बढ़िया। तो गोवर्धन का दिन है शुभ, तो एक संकल्प मैं आपसे भी लेना चाहूंगा, इतना अच्छा नंदी आप यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, महाराज जी को जिस समय आवश्यकता होगी उस समय जिस टाइम महाराज जी की आवश्यकता होगी उस टाइम जोड़ के लेके जाता हूँ, पैर पकड़ के लेके जाऊंगा। चल भाई बहुत बढ़िया, खुश रखिए भाई, उठे भी रहो तुम्हारो ये कोई दूसरी बात। चल भाई बहुत बढ़िया, ठीक।